गोवा का ब्यूटीफुल रोड में गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है, और जब गाड़ी चलाता है मेरा परम मित्र राममणि शुक्ला तब तो और भी मजा आ जाता है। यस फ्रेंड्स, मैं इस बार आपको लेके चल रहा हूँ गोवा, और गोवा का बारे में हम सभी को कुछ ना कुछ पता ही है। ये यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल बीच है, नाइट लाइफ है, डीजे है, लेकिन एक बात बताऊँ आपको, गोवा में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी है, बहुत ब्यूटीफुल चर्च है। तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ ये बहुत खूबसूरत जगह। तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ एक लाइक कर देना और शेयर कर देना, कमेंट भी करना कि कैसे लगा आपको वीडियो। मैं आ गया गोवा का फेमस महालक्ष्मी मंदिर जो बंडोरा विलेज में है। मैं थोड़ा लकी था क्योंकि मंदिर में हमने जब प्रवेश किया तब उस टाइम आरती हो रहा था और उसके बाद भोग प्रसाद भी मिला हमें। मंदिर प्रीमाइसेस बहुत ही खूबसूरत था, और इसके बाद मैंने पहुंचा मंगेशी महादेव टेंपल जो यहाँ से थोड़ा ही डिस्टेंस में है। मंदिर का कलर देखिए कितना वाइब्रेंट कलर है, और लग रहा है कि एकदम न्यूली इसमें कलर किया होगा। मंदिर भी बहुत सुंदर है, इसका प्रीमाइसेस में एक बहुत बड़ा तालाब भी है, और चारों तरफ पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, तो हरियाली भी आपको बहुत सारे दिखाई देगा। और ये मंदिर तो रियली बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन इसका अंदर फोटो लेना मना था तो अंदर का फोटो मैं ले नहीं पाया। हम लोग सब अभी जा रहे हैं गोवा का जो फेमस बॉम जीसस चर्च है उसके तरफ। गांव का अंदर से जा रहा है, रोड दोनों साइड में बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, टोटल ग्रीनरी है। जाते जाते ऑन द वे एक उडुपी रेस्टोरेंट दिखाई दिया, यहाँ पे हम लोग हल्का पुल्का लंच करके फिर हम लोग निकल पड़ा नेक्स्ट डेस्टिनेशन बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च देखने के लिए। ये चर्च पुर्तगीज लोग बनाया था 1605 में, इसका मतलब अभी से 700 ईयर्स पहले ये चर्च को बना दिया गया था। और ये यहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर साहब का जो इमॉर्टल बॉडी है यहाँ पे रखा हुआ है विदाउट एनी केमिकल, एंड ये एवरी 10 साल में एक बार निकाला जाता है। चर्च का अंदर आप जाओगे तो आपको बहुत ब्यूटीफुल वुडन का कारुकार्य मिलेगा जो देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। तो आप गोवा जब आएंगे ये चर्च को जरूर आपका बकेट लिस्ट में रखिए। और इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट में ये जो खूबसूरत स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है गोवा का फर्स्ट ड्यूक अफांसो डी अल्बुकर्के। 1605 में गोवा जब कैप्चर किया था, अफांसो डी अल्बुकर्के एक पुर्तगीज लीडर है, एडमिरल है, और उनका याद में 1619 में एक कैथेड्रल का कुछ रिमेन भग्नावशेष के ऊपर इस कैथेड्रल को दोबारा बनाया गया था। इस कैथेड्रल का अंदर एक बहुत बड़ा बेल है जिसका आवाज़ बहुत मेलोडियस है, इसीलिए इसको गोल्डन बेल भी बोला जाता है। एंड ये लार्जेस्ट इन गोवा है एंड वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड। और इस कैथेड्रल का प्रीमाइसेस जो है बहुत बड़ा है, तो हम लोग थोड़ा देर इसमें रेस्ट करके फिर हम निकल पड़े गोवा का एक खूबसूरत बीच देखने के लिए। और ये बीच जो है गोवा का फेमस बीच है, वन ऑफ द फेमस बीच, एंड सारे टूरिस्ट गोवा आता है तो ये बीच को जरूर दर्शन करता है। मतलब ऐसा लगता है कि गोवा आया और ये बीच नहीं गया, मतलब आपने पूरा गोवा देखा ही नहीं है। So welcome you to the famous Bagha Beach in Goa. तो ये था हमारा गोवा ट्रिप का सेकेंड डे। फर्स्ट डे गोवा ट्रिप का लिंक मेरा राइट हैंड कॉर्नर में आई बटन में दिखाई देगा, आप उसको देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग द वीडियो।